पंजाब को तरक्की की रफ्तार देने के लिए सीएम भगवंत मान कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता है कि पंजाब की तरक्की के भागीदार युवा बने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम भगवंत मान ने नौजवानों को केंद्र में रखकर कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा नौजवानों को हो रहा है। उन्होंने सालों से गवर्नमेंट सेक्टर में बंद पड़ी नियुक्ति का रास्ता भी खोल दिया है, जो नौजवानों के चेहरे पर खुशियां ला रहा है। देखिए सीएम मान की कोशिशों से कैसे बदल रही है पंजाब की फिजा। पंजाब एक नई क्रांति का गवाह बन रहा है। उन्नत पंजाब के सपने को साकार करने के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले नौजवानों को सशक्त करने में लगी है। नौजवानों को केंद्र में रखकर सीएम भगवंत मान रोजगार के लिए कई गेटवे खोल रहे हैं। जिन सरकारी महकमे में कई सालों से नियुक्तियां बंद थी, पंजाब प्रगति दे रहा थे, इंडस्ट्री आ रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, आने वाले दिनों बहुत सारिया होर जॉब्स क्रिएट होणगियां, साडे मुंडे कुड़ियां नूं डिग्रियां मुताबक इत्थे काम मिलूगा, सो तनदेही ना काम करोगे तो तुहाडा नाम भी हिस्टरी दे विच लिखा जाऊगा कि जदों पंजाब दा दोबारा निर्माण हो रहा सी तां लोक निर्माण च कौन कौन सी उहदे च तुहाडा नाम आऊगा सारिया। पंजाब के लोगों को जो भी गारंटियां दी थी वो सब धीरे धीरे करके पूरी की जाएंगी। लोक निर्माण विभाग दे विच 188 जूनियर इंजीनियर्स जिन्हां नूं अज नियुक्ति पत्र मिलने ने, सो अरविंद केजरीवाल जी दी अगुवाई जिहड़ियां गारंटियां दित्तियां सी आउण सारे पूरियां होण लग गईआं। सरकारी नौकरियां दा वादा कीता सी तां अज 188 अज वाले मिला के 26,074 नियुक्ति पत्र ऐसे हाल जो सी दे चुके हैं। पंजाब को नंबर वन बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार बीते 10 महीनों में एक एक कर कई योजनाओं को धरातल पर उतार चुकी है, जिसका इम्पैक्ट अब पंजाब में दिखना भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है सीएम भगवंत मान आगे भी यूं ही पंजाब की तरक्की को रफ्तार देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।